हेलो स्टूडेंट्स, अभी अभी की बात है, हम पेरेंट्स का हाथ पकड़ के स्कूल जाने लगे थे। पता नहीं वक्त कैसे गुजर गया और हम 10th स्टैंडर्ड तक आ गए। क्या क्या नहीं सीखा हमने मैथमेटिक्स में। काउंटिंग से हमने स्टार्ट किया था, टेबल से, देन टेबल के बाद एलसीएम, HCF, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, फैक्टोराइजेशन करना, एलजेब्रा, पॉलिनोमियल्स, नंबर्स, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, पता नहीं क्या क्या नहीं सीखना पड़ा हमको। आज भी आपको सीखना पड़ेगा। और जितनी चीज़ें मैथमेटिक्स में हमने अच्छे से नहीं पढ़ी है पिछली क्लासेस में, वो फिर से आने वाली हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हम फेस करेंगे तो उसमें मैथमेटिक्स का रोल तो रहेगा ही, और मैथमेटिक्स का रोल रहेगा तो उसमें रियल नंबर भी रहेंगे, रैशनल नंबर भी रहेंगे, इरेशनल नंबर भी रहेंगे, पॉलिनोमियल्स भी रहेंगे, पूरा का पूरा अलजेब्रा रहेगा, पूरा अरिथमेटिक रहेगा, मेंसुरेशन की दुनिया अपनी वो रहेगी, ज्योमेट्री की दुनिया अपनी वो रहेगी। स्टूडेंट्स, आपका एज ग्रुप, आपकी क्लास, ये कुछ ऐसा वक्त है जहाँ आपके पेरेंट्स आपको सजेस्ट करते हैं बेटा पढ़ो। आपके ग्रैंड पेरेंट्स यदि आपके साथ में हैं, वो आपको सजेस्ट करते हैं बेटा पढ़ो। आपके टीचर्स सभी चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा अपना वैल्यू एडिशन करें। गाइज, आपने क्या सोचा है? क्या हम अपना वक्त यूं ही गंवा देंगे? क्या हम सिर्फ एक्सक्यूजेस देते रह जाएंगे? लॉकडाउन था, हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई, ऑनलाइन में मज़ा नहीं आया, इसलिए हम अच्छे से नहीं कर पाए। नहीं गाइस, लॉकडाउन एक अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, बहुत अच्छे से परफॉर्म करिए। आपका बहुत सारा टाइम बच रहा है गाइस, स्कूल जाना नहीं है, फ्रेंड्स के साथ घूमना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। घर में बैठ करके आपको ये सारी फैसिलिटी एक साथ, एट ए टाइम, आपको आपके घर के अंदर मिल जाए, इसी के लिए ज्ञान गणित चैनल आपके लिए लाया है। 10th क्लास का मैथमेटिक्स वाला कोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपको बहुत आगे काम आने वाला है, उसकी मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ गाइज। सबसे पहला टॉपिक है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की दुनिया में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, और नंबर्स की दुनिया तो बहुत बड़ी होती है, बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे रियल नंबर की छोटी सी दुनिया होती है नेचुरल नंबर्स की। उन नेचुरल नंबर्स में होते हैं 1, 2, 3, 4, ये हमारे नेचुरल नंबर की दुनिया है। और उससे थोड़ा सा और बड़ी बनाना है दुनिया को, तो ये हमारा 0 इसमें और मिला दो। कहते भी हैं कि जब 0 दिया भारत ने, तब दुनिया ने सबको पूरा ज्ञान सिखलाया। और ये 0 ऐड करने के बाद, 0 किसी नंबर के ऊपर लगा दें तो उसका वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, और 0 लगाते चले जाएं तो उसका वैल्यू बढ़ता ही चला जाता है। आप बोलने लगोगे 10, 100, 1000, है ना, आप थक जाओगे, ये नंबर नहीं थकेगा। और एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप बोल ही नहीं पाएंगे, फिर आप अनडिफाइंड या इनफाइनाइट जैसे वर्ड यूज करने लगेंगे। तो गाइज, 0 ऐड करने से हमारा नंबर बना होल नंबर। होल नंबर बनने के बाद हमने उसमें ये निगेटिव नंबर्स भी ऐड करना स्टार्ट कर दिए, तो ये मेरे बन गए इंटीजर्स। और उसके बाद फिर हमने ऐसे फ्रैक्शंस वाले नंबर भी ऐड करना स्टार्ट कर दिए, तो ये हमारे बन गए रैशनल नंबर्स। और उसके बाद हमने √2, √3 ऐसे नंबर भी ऐड करना स्टार्ट कर दिए, तो ये हमारे बन गया पूरा रियल नंबर की दुनिया है। तो सबसे बड़ी दुनिया नंबर की हमारी रियल नंबर की दुनिया है, जिसमें सारे तरह के नंबर आ जाते हैं गाइस। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा टॉपिक है गाइज, रियल नंबर्स। और बातें करते हैं अपन रियल नंबर्स से रिलेटेड। कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपका नॉलेज तो बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, आपकी नॉलेज को थोड़ा सा रिवाइज भी करेगी। एक बार अच्छे से समझ लीजिए इन सारी चीज़ों को।
सपोज करिए एक नंबर मैं लिख रहा हूं 59, क्या ये रियल नंबर है? जवाब होना चाहिए यस। क्या ये रैशनल नंबर है? जवाब होना चाहिए यस। क्यों? रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। 59/1 बिल्कुल लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में। दिस इज अ रैशनल नंबर, बिल्कुल है रैशनल नंबर। क्या ये इंटीजर है? यस गाइज, ये इंटीजर है। ये पॉजिटिव इंटीजर है कि निगेटिव इंटीजर है? गाइज ये पॉजिटिव इंटीजर है। क्या ये होल नंबर है? यस, होल नंबर की दुनिया में भी आता है 59। जीरो से जीरो ऑनवर्ड्स जितने नंबर है, 0, 1, 2, 3, ये सारे होल नंबर्स होते हैं। क्या ये नेचुरल नंबर है? एग्जैक्टली यस, नेचुरल नंबर भी है। नेचुरल नंबर की दुनिया खुद इतनी बड़ी होती है कि उसके अंदर भी फिर प्राइम नंबर आते हैं, कंपोजिट नंबर आते हैं। ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़े होंगे, मेरे कुछ वीडियोस भी ऐसे डले हैं जिसमें नंबर्स से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, आप उनको देखते जाइए, समझते जाइए। प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? जो या तो वन से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल हो, यानी इसके एग्जैक्टली दो नेचुरल नंबर फैक्टर्स होना चाहिए। और 59 भी एक ऐसा प्राइम नंबर होता है जिसके दो फैक्टर होंगे, एक वन और एक खुद 59। इज दैट क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। चलिए, अब आप बोलोगे कि सर ये सब हमको आप बता रहे हो, प्राइम नंबर वगैरह, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बाहर ऊपर जब हम पढ़ते हैं, बड़ी क्लास में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वहाँ कहाँ काम आता है? कुछ तो बताइए कोई एग्जाम्पल से। गाइस एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल मैं आपको देके बताता हूँ, आपको समझ आएगा कि क्या फ़र्क होता है स्कूल के एग्जाम में और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहाँ हमको क्यों पढ़ना पड़ता है ये सब चीज़ें। अब देखिए गाइस, एक छोटा सा क्वेश्चन है, एन इंटू एन प्लस वन प्लस इलेवन इज इवन नंबर। ऑप्शंस दिए हैं गाइस, क्या ये नंबर इवन होगा? क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? क्या ये नंबर प्राइम होगा? या फिर डी ऑप्शन में नन, इनमें से कुछ भी नहीं होगा, जो मैंने ये चार ऑप्शन लिखे हैं। और यहां क्वेश्चन में दिया है n इज अ नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर है। बहुत मजा आएगा इसके अंदर, आप देखना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको मैं बोल रहा था कि n नेचुरल नंबर है, तो मैं n को यदि 1 रख के देखता हूं तो मेरा नंबर क्या बनेगा? अपन देखें क्या, रख के n को 1 रखते हैं तो 1 इंटू 1 प्लस 1 2 लिख दें प्लस 11, यानी कि 1 इंटू 2 क्या बना? 2, 2 प्लस 11 क्या बना? 13। ओके, और रख के देखते हैं, n को 2 रख के देखते हैं तो 2 इंटू 3 प्लस 11 तो ये 6 आ गया मेरा, प्लस 11 तो ये आ जाएगा मेरा 17। और n को 3 रख के देखते हैं तो ये मेरा बनेगा 3 इंटू 4 प्लस 11 तो ये 12 प्लस 11 ये मेरा 23। ऐसे आते चले जाएंगे गाइज नंबर, है ना? बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे कि ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, यानी ये सारे प्राइम नंबर आएंगे। तो आंसर क्या हुआ गाइज? इवन नंबर आंसर हो नहीं सकता, परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकता, है ना? इवन नंबर तो ये है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर ये है नहीं, प्राइम नंबर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो गाइज आंसर क्या हुआ? प्राइम नंबर नहीं। यही गलती सब बच्चे करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और इसीलिए वो लोग वहाँ नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा दूर का नहीं सोचते हैं। गाइज आप ये सोच के देखो, जब यहाँ 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब 11 आएगा यहाँ, या 12 आएगा प्लस 11 आएगा। और इसको आप सॉल्व करके देखो, 11 कॉमन ले लें तो अंदर आएगा 12 प्लस 1, यानी कि 11 इंटू 13, यानी कि 143। ये प्राइम नंबर नहीं है, यही देख के समझ आ जाना चाहिए। कुछ कॉमन आ रहा है मतलब वो उसका मल्टीपल है, वो उसका फैक्टर हो गया, मतलब ये प्राइम नंबर तो रहा ही नहीं गाइज। तो आंसर आ जाएगा नन, ना तो इवन है, ना परफेक्ट स्क्वायर है, ना प्राइम नंबर है गाइज। कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। एग्जामिनर को पता है कि बच्चा 11 तक जाएगा नहीं, और जब 11 यहाँ आएगा तो वो 11 यहाँ कॉमन करके इसको प्राइम नहीं रहने देगा, तो ये प्राइम नहीं है गाइज। इज दैट क्लियर? तो ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम्स के अंदर आते हैं। अब मैं आता हूँ आपके
टेंथ वाली दुनिया पे, कि टेंथ में उनको क्या सीखना चाहिए, है ना। कई लोग तो बिल्कुल कन्फाइंड, बिल्कुल उससे बाहर ही नहीं जाना चाहते, उनको टेंथ का बता दो सर, बस उसमें भी एनसीईआरटी बता दो, बस इतना हो जाए कि हम पास हो जाएं, है ना। हमको मैथ्स पसंद नहीं है गाइस, मैथ्स या सब्जेक्ट का पसंद होना या नहीं होना आपके टीचर, आपके मेंटोर पे डिपेंड करता है, वो आपको कैसे चीज़ों को बताता है। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए, तो अब आपको मैं ये बताना चाहूँगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है ना। कई बार हमको ऐसा ऐसा लगता है कि यार ये क्या क्या है चीज़, इतना बड़ा समझ आएगा कि नहीं आएगा, हमको डरिए मत। यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ भी नहीं है, वो छोटी सी चीज़ एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। एक नंबर है 17, उसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ क्वेश्चन तो लिखा मैंने 3, आप समझते हो ना गाइज, ये नंबर ए है, इसको अपन डिवाइड करेंगे 20 से, तो ये मेरा नंबर यहाँ जो अपन लिखते हैं ये कहलाता है क्वेश्चन, और यहाँ जो बचता है वो कहलाता है रिमाइंडर। इज दैट क्लियर गाइज? तो यहाँ पर 17 को 5 से डिवाइड कर रहा, तो 5 3 15, बचा रिमाइंडर 2, तो ये हमारा हो गया 17। क्या हो गया गाइज? मेरा डिविडेंड, ये मेरा डिवाइजर, ये मेरा क्वेश्चन, और ये मेरा बचा क्या? रिमाइंडर। तो गाइज ये 17 इक्वल टू 5 × 3 + 2 ऐसा लिख सकते हैं, 17 इक्वल टू 5 × 3 + 2, यही तो हम सीखते आ रहे हैं बचपन से। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस क्या बनेगा? रिमाइंडर। इज दैट क्लियर? और ये जो रिमाइंडर आएगा 2, ये जो आया है ये 2 हमेशा इससे तो कम होगा, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो ना रिमाइंडर, उससे तो कम आता है। मतलब यहाँ 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, फुल्ली डिवाइड कर लो तो भी 0 आ जाएगा। तो ये मेरा नंबर जो रिमाइंडर है वो 0 और 5 के बीच में ही आएगा। अरे ये तो हम पहले से जानते हैं, फालतू तो ही हमको डराया जा रहा है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से। अरे ये तो हमको पहले से ही पता है कि यदि यहाँ पर ए को बी से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन क्यों आएगा, रिमाइंडर आ रहा आएगा, तो ए इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस, जैसे 17 इक्वल टू 5 × 3 + 2। इज दैट क्लियर? तो वैसे ही हम इसको लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो गया 4। एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर ये जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 और b के बीच में होगा। इसी को तो कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। चलिए अब बात करते हैं अपन HCF की। HCF का कॉन्सेप्ट क्या होता है? HCF का पहले तो फुल फॉर्म बता देता हूँ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर क्या होते हैं? 18 के फैक्टर कौन कौन होते हैं? ये दो नंबर लिए मैंने 18 और 24, इनका एचसीएफ निकालना है, तो पहले 18 के फैक्टर लिखेंगे। 1 होता है ना, अरे जिसका कोई नहीं होता उसका भी 1 होता है, 1 तो सबका फैक्टर होता है, 1 होता है, 2 होता है, फैक्टर यानी जिसकी टेबल में 18 आता है ना, 1 इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, 3 6 9 18 सब इसके फैक्टर है। ऐसे 24 के भी फैक्टर लिख लो, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। अब फैक्टर तो अपन ने समझ लिया, फैक्टर इसमें हमेशा रिवर्स चला करो इधर से, उसके बाद कॉमन फैक्टर देखो, कॉमन कौन कौन है इनमें? 1 दोनों में आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है, 3 दोनों में आ रहा है, 6 दोनों में आ रहा है, तो जो कॉमन फैक्टर है वो है 1 2 3 6। अब उस कॉमन के अंदर भी हाइएस्ट कौन है? 6 है इन सब में हाइएस्ट, तो मेरा जो एच सी एफ है हाइएस्ट वो कितना हो गया? 6। इसी को बोलते हैं एच सी एफ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। गाइस कॉन्सेप्ट अच्छा है, बात भी सब सही है, लेकिन ये फेल है मेथड। क्यों फेल है मैं बताता हूँ आपको। कोई बहुत बड़े नंबर दे दे, 18,324, 19,256, और इस मेथड से एच सी एफ निकालना हो तो ये इतने सारे फैक्टर बहुत होंगे इसके, तो कब तक लिखेंगे? आपको पता कैसे चलेगा कितने फैक्टर हैं? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट गाइज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा मेथड है, उसी का नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा, और उससे अपन इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन लेते हैं इसको समझने के लिए। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड एच सी एफ ऑफ 396 एंड 693। अब देखना गाइस, एक नंबर तो है 693, दूसरा नंबर है 396। अब मैं आपको बताता हूं इसको पहले रफ में कैसे करना, उसके बाद उसको प्रेजेंट कैसे करना बहुत अच्छे से, ये बता रहा हूं गाइस मैं। बड़ा नंबर कौन है? 693। छोटा नंबर कौन है? 396। तो बड़े को पहले तो डिवाइड करो छोटे से, मैं क्वेश्चन यहां के बजाय यहां लिखूंगा, ठीक है?
396 डिवाइड, सॉरी ये सब्ट्रैक्ट करिए, 7 आएगा ना, कैरी ओवर 1 लेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, 4 2 आ जाएगा, यहाँ वापस ऐसा साइन बना दो। इज दैट क्लियर गाइज? ये क्या था 396 डिवाइजर, ये डिविडेंड था, ये डिवाइजर था, तो इस डिवाइजर को अब यहाँ डिविडेंड बना दो। ये रूल है, HCF निकालने का मेथड सिखा रहा हूँ। फिर से वही काम करो, 297 वन झा 297 बचा क्या, 99 बचा। फिर वापस ये क्या था डिवाइजर, इस डिवाइजर को वापस यहाँ डिविडेंड बना दो। 3 जा 99 3 जा 297 ही होता है, कुछ नहीं बचा। अब आपका जो लेटेस्ट वाला ये वाला डिवाइजर है वो है 99। यही मेरा आंसर है, यही मेरा HCF है गाइस। तो आंसर तो ऐसे निकाल लेंगे, पर उसको प्रेजेंट कैसे करना, लिखना कैसे, वो अब बता रहा हूं मैं आपको। प्रेजेंटेशन, इज दैट क्लियर गाइस? सबसे पहले हम ऐसा लिखेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये तो फार्मूला हो गया उसका, ऐसा लिख लो। इज दैट क्लियर गाइज? अब ए मतलब अपना ये बड़ा नंबर होता है, तो 693 इक्वल टू, बी मतलब ये आपका छोटा नंबर जिससे आपने डिवाइड करा, ये यहाँ से देख के लिख लो ना, 693 इक्वल टू 396 इंटू 1 प्लस 297। 396 इंटू 1 प्लस 297 हो गया ना, इस टाइप का ये। और ये अपने को तब तक करना है जब तक ये रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता, तो ये मेरा 297 नॉट इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर जीरो नहीं आया, वी रिपीट द मेथड अगेन, फिर से रिपीट करेंगे इसको। अब फिर से रिपीट करेंगे किसके साथ, इस नंबर के साथ 396 जो हमारा डिवाइजर है, ये तो क्वेश्चन है, रिमाइंडर है, तो 396 के साथ इधर से देख के लिख लो। 396 क्या था गाइस, 297 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 99। 396 इक्वल टू 297 इंटू 1 प्लस 99। इज दैट क्लियर गाइज? अब देखो ये जो 99 बच रहा है, यहाँ पे 297 रिमाइंडर था, यहाँ पर रिमाइंडर है 99, फिर से लिखो 99 नॉट इक्वल टू जीरो, वी रिपीट द प्रोसेस अगेन, वी रिपीट द मेथड अगेन, फिर से मेथड हम लगाएंगे। अब किसके साथ लगाएंगे, 297 के साथ, तो 297 इक्वल टू, ये 297 है, 99 से डिवाइड कर, 99 इंटू 3 प्लस 0, 297 इक्वल टू 99 इंटू 3 प्लस 0, तो रिमाइंडर आ गया मेरा 0, है ना। तो ये 0 जैसे ही आया मतलब हमारा प्रोसेस एंड हो गया, हमारा आंसर आ गया, देयरफॉर HCF इज 99 विच इज दिस डिवाइजर, ये जो लेटेस्ट वाला है डिवाइजर वो हमारा HCF बन जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे, मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, पता नहीं कितने शार्प बच्चे होते हैं, वो पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, है ना। अब ये क्वेश्चन था, एक बच्चे ने इसको ऐसे सॉल्व करके बताया, सर मैं बताता हूँ एक नया निकाला मैंने, बिल्कुल अल्टीमेट मेथड। मैंने कहा ठीक है भैया बताओ, 693 और 396 ये दो का HCF निकालना है सर। मैंने कहा हाँ बेटा, यस इन दो का HCF निकालना है। 693 को लिखेंगे 700 माइनस 7, मैंने कहा चलेगा। इसको लिखेंगे 400 माइनस 4, ठीक है वेरी गुड चलेगा। 700 को लिखेंगे 7 इंटू 100 माइनस 7, 400 को लिखेंगे 4 इंटू 100 माइनस 4, मैंने कहा ठीक है चलेगा। बोले सर इसमें कॉमन क्या है, मैंने कहा 7, तो अंदर क्या आया 100 माइनस 1। बोले सर इसमें कॉमन क्या है, तो मैंने कहा 4, तो अंदर क्या आया, मैंने कहा 100 माइनस 1। तो ये हो गया 7 इंटू 99, ये हो गया 4 इंटू 99, तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो कौन है, मैंने कहा 99। तो बोले वही तो सर HCF है। वेरी गुड, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा अप्रोच है गाइज।
हर बच्चा ऐसा नहीं होता जो ऐसे कर लेगा. सेकंड थिंग, हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो ऐसे हो जाएगा. हर क्वेश्चन में ऐसा सेट नहीं होगा कि वो इस तरह से बन जाए. बट फिर भी इसीलिए बोलते हैं कि विनर्स डू नॉट डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली, बोलते हैं ना ऐसा. तो प्लीज प्लीज, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा मैथमेटिक्स के अंदर, उतना अच्छे से आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे. तो ये था मेरा पहला क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन लेमा का. और आगे बढ़े और कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी. ये आपका HCF निकालना है 128 और 240 का. तो पहले एक काम करते हैं, बड़ा नंबर कौन है 240, इसको डिवाइड किससे करना है 128 से. तो कर लेते हैं डिवाइड, 128 टू जा होता है 256, ज़्यादा हो जाएगा तो वन जा ही करना पड़ेगा. 128 माइनस करो तो यहाँ टू आएगा, यहाँ वन आएगा, यहाँ पर फिर वन आ जाएगा. इज दैट क्लियर? 10 माइनस 8 2 3 1 1 1 1 2 आया. अब यहाँ पर फिर ऐसा कर लो, ये जो नंबर है आपका 128 ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर यहाँ 1 1 2 1 झा 1 1 2, फिर क्या बचा गाइस 16, फिर ये 1 1 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 7 झा 1 1 2 होता है 16, 7 झा कुछ नहीं बचा. सो दिस इज माई आंसर 16, लेटेस्ट डिवाइजर इज माई HCF. तो ये तो हो गया अपना रफ वर्क. अब अपने को कैसे लिखना है, वही जैसा मैंने सिखाया था, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा. अब तो टाइम पास करना, ये होने के बाद तो इसको देख देख के लिखते जाना. बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेमा बोल दो, अल्गोरिथम बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कोई दिक्कत नहीं है. 240 इक्वल टू, ओ ओ ओ सॉरी, पहले ऐसा तो लिखो, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. आर किस किस के बीच में होना चाहिए? 0 और बी के बीच में होना चाहिए. तो ये तो मेरा लेमा हो गया. अब ये लेमा अपन यहाँ लगाएं तो एक ही जगह मेरा नंबर है 240. तो 240 इक्वल टू 128 इंटू 1 प्लस 112. पहले लाइन से लिख दो अपन, तो है ना, एक लाइन छोड़ देना यहाँ पर. 240 इक्वल टू 128 इंटू 1 प्लस 112. अब ये 128 को ले लो, तो 128 इक्वल टू 112 इंटू 1 प्लस 16. इज दैट क्लियर? फिर ये 112 को ले लो यहाँ पर, 112 इक्वल टू 16 इंटू 7 प्लस 0. इज दैट क्लियर? बस अब तो फिल करना बाकी चीजें. अब यहाँ पर क्या करना है, ऐसा लिखने के बाद लिखना है कि ये जो 112 है ये 0 नहीं है. वी रिपीट द प्रोसेस अगेन, वी रिपीट मेथड. ठीक है, फिर ये आ गया, फिर ये 0 नहीं है, तो 16 नॉट इक्वल टू 0, फिर यहाँ लिख दो वी रिपीट मेथड. इज दैट क्लियर? फिर आपका है 112 16 इंटू 7 प्लस 0, तो यहाँ पे लिख दो रिमाइंडर. अब आ गया 0, तो आर इक्वल टू 0, देयर फॉर HCF इक्वल टू 16 इज माई आंसर. इज दैट क्लियर? तो ये आपको इतना प्रेजेंट करते आना चाहिए गाइज, कुछ भी नहीं है. 10th का मैथमेटिक्स तो और भी आसान है, मुझे लगता है 9th से भी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी है, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है. यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन मेथड फिर से लगाने को बोल रहे हैं. ठीक है, अब की बार तीन नंबर है, 56, 96 और 404. याद रखना गाइज, ये मेथड दो नंबर में ही लगा सकते हैं. तो तीन है तो एट ए टाइम दो ही लेंगे, पहले कोई से भी दो ले लो. तो पहले मैं ये ले लेता हूँ 56 और 96, ये ले लेता हूँ. बड़ा कौन है 96, तो डिवाइड किससे करना है 56 से. तो 56 वन झा कितना बनेगा 56, रिमाइंडर आया 04, फिर यहाँ पर वही 56, ये यहाँ आ जाएगा. इज दैट क्लियर? 41 झा 40, क्या बचा 16, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 42 झा 32, क्या बचा 8, फिर ये 16 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 8 2 झा 16, कुछ नहीं बचा. तो ये HCF आ गया. किन दो का HCF आ गया? जो दो नंबर हमने लिए थे 96 और 56. इज दैट क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो अब आप ऐसा करेंगे, पहला नंबर 56, दूसरा नंबर 96, तीसरा नंबर 404, इन दो का HCF कितना आया 8, एंड अब ये तीसरा बच गया. तो अब आपको इन दो का HCF निकालना है. इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? 8 और 404, चलो इधर करके देख लेते हैं. 404 डिवाइड किससे करेंगे 8 से, 8 5 40, कुछ नहीं बचा, फिर 4, फिर 0, 0, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, सॉरी. यहाँ
यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब आपको 8 और 404 इनका HCF निकालना है, इज दैट क्लियर? चलिए 404 और 8। अब 404 बड़ा नंबर है और 8 छोटा नंबर है, तो मैंने क्या सिखाया था, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 फाइव जा 50 लिख देता हूँ डायरेक्ट, ये मेरा 400 हो गया है ना, इतना तो कर लोगे, तो बचा क्या गाइस 4। अब ये मेरा 8 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 4 टू जा 8, क्या बचा गाइस, कुछ नहीं बचा, तो ये मेरा आंसर आ गया 4, ये फाइनल आंसर आ गया मेरा HCF। अब इसको अपने को प्रेजेंट करना है यहाँ पर, 8 और 404 फिर से अपन ऐसा लिखेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए की जगह बड़ा नंबर आएगा 404, बी की जगह जिससे आप डिवाइड कर रहे हो 8 इंटू कितना 50 प्लस 4, 40 नहीं आया, मतलब इसका मतलब प्रोसेस मेथड विल रिपीट, इज दैट क्लियर गाइज। इसके बाद 404 इक्वल टू 8 इंटू 50 प्लस 4, तो अगली बार किसको लेना है फिर 8 को, तो 8 इक्वल टू इधर से देख लो क्या करना है, 4 इंटू 2 प्लस 0, तो 8 इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 0, अब रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो आपका आंसर हो गया ये 4, देयरफॉर HCF इक्वल टू 4, इज दैट क्लियर। मैंने इतना ही लिखा, मतलब ये मत समझना कि इसका प्रोसेस नहीं लिखना है, ये रफ वर्क तो है, इसका भी पूरा ऐसा लिखना है, इस टाइप से प्रोसेस a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आपकी हेल्प के लिए चलो लिख देता हूं मैं, है ना। यहां पर सबसे पहले लिखेंगे आप a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a कौन है यहां पर 96 इक्वल टू 56 क्यू प्लस आर, क्यू की जगह 1 प्लस आर की जगह 40, ये जीरो नहीं आया, तो फिर से आपको क्या करना है गाइस, ये 56 को लेना है, 56 इक्वल टू 40 इंटू 1, ये रहा 40 इंटू 1 प्लस 16, ये फिर जीरो नहीं आया 16, तो फिर आपको इस 40 को फिर स्प्लिट करना है, 16 इंटू 2 प्लस 8, ये फिर जीरो नहीं आया, तो फिर इस 16 को लिखना है आपको 8 इंटू 2 प्लस 0, तो ये आपका 8 आ गया HCF, इज दैट क्लियर गाइस। और फिर इस 8 के साथ 404 लेके पूरा प्रोसेस दिखाना है, तो ये दोनों दिखाना तब जा करके पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन, इसको मैंने ये देखो ऐसे ही समझ लीजिए, 867 255 बड़ा कौन है 867, तो ये मैंने डिवीजन दिखा रखा है यहाँ पर, तो 867 को लिख सकते हैं 255 इंटू 3 प्लस 102, ये 102 मेरा क्या है, जीरो नहीं आ रहा है, 102 इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो वी अप्लाई द डिवीजन लेमा अगेन, फिर ये 255 को लिखेंगे 102 इंटू 2 प्लस 51, 51 फिर जीरो नहीं आ रहा, सो वी अप्लाई अगेन, फिर 102 को लिखेंगे 51 इंटू 2 प्लस 0, नाउ रिमाइंडर आ गया 0, तो HCF कितना आ गया 51, दैट इज डिवीजन एट दिस डिवाइजर एट दिस स्टेज, इज दैट क्लियर गाइस। तो इस तरह से अपन इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन होते हैं, जैसे 1, जैसे 3, जैसे 5, जैसे 7, जैसे 9, ये सब बहुत पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वो अपन इस टाइप से लिख सकते हैं 6q प्लस 1, अपन ट्राई मारें क्या, 9 को लिखें क्या अपन, 6 इंटू समथिंग प्लस 3, 7 को 6 इंटू 1 प्लस 1, 5 को कैसे लिखें, 6 इंटू 0 प्लस 5, 6 इंटू 0 प्लस 3, 6 इंटू 0 प्लस 1, अरे वाह हो गया है, तो देखो यानी हर ऑड नंबर को इस टाइप से लिख सकते हैं 6q प्लस 3 या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 5, बार बार यहाँ पे या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा आप देखो, और यहाँ पर हमेशा इंटीजर आएगा, तो क्वेश्चन तो समझ आ गया, अब इसको एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है ना, हाँ मतलब हमारे दिल ने तो मान लिया, अब दिमाग को बताना है कि ये कैसे है, एग्जाम में ऐसे ऐसे लिख के छोड़ दोगे तो ऐसे में पूरे नंबर तो नहीं देगा कोई टीचर, है ना, आपको पूरा ऐसा पूरा समझाना पड़ेगा, और स्कूल में ये सब होता है ना, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करो चीज़ों को, तो ये ऐसा सिर्फ इतना सा नहीं चलेगा वहाँ पर, तो मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे समझाना, पहले मैं रफ में बता रहा हूँ आपको, फिर फेयर करेंगे। गाइस अपन जानते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है,
और यदि मैं बी को 6 ले लूँ तो दुनिया का हर नंबर को 6 से डिवाइड करो तो कुछ तो क्वेश्चन आएगा, कुछ तो रिमाइंडर आएगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए इक्वल टू 6Q+R। बी को 6 ले लिया, जो मन करे ले सकते हो, हर एक में चलेगा। अच्छा ये जो मेरा रिमाइंडर है 6 से तो छोटा ही आएगा, ये वाला जो रिमाइंडर है 6 से कम आएगा, यानी या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 आएगा या 5 आएगा। समझ रहे हो ना गाइस? अब ए इक्वल टू 6Q, यदि आर 0 है तो ए इक्वल टू 6Q+0, 6Q+1, 6Q+2, 6Q+3, 4, 5 ऐसे आते जाएंगे, यानी कि ए इक्वल टू 6Q+R आएगा। और आर 6 से छोटा कुछ भी हो सकता है, 6Q+0+1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। गाइस 6 का मल्टीपल तो इवन नंबर होगा और मेरे को क्या चाहिए, क्वेश्चन में तो ऑड नंबर बोला है, तो मतलब ऑड नंबर तो है नहीं है, ये मेरा बाहर हो गया। ये 6Q+2, ये भी 2 से डिविजिबल, ये भी 2 से डिविजिबल, ये इवन नंबर मेरे काम का नहीं है। 6Q+4, ये भी इवन नंबर मेरे काम का नहीं है, तो बचे ही कौन कौन, 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5। बस अब इसको फेयर करके लिख दो यार गाइस, है ना, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, है ना। अब इसको एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना देखना, मैं आपको बताता हूँ, है ना। ऐसा लिखना, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इज दैट क्लियर। और बी को अपन 6 ले लेते हैं तो ए इक्वल टू हो जाएगा 6Q+R, और आर इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक जाएगा, 6 से कम आएगा, है ना। देयर फोर ए इक्वल टू अपना बनेगा 6Q+0, ए इक्वल टू 6Q+1, ये सारे पॉसिबल वैल्यू जो ए इक्वल टू 6Q+2, ए इक्वल टू 6Q+3, ए इक्वल टू 6Q+4, ए इक्वल टू 6Q+5, और ए इक्वल टू 6, ओ हो गए ना गाइस, बस 5 से ज़्यादा नहीं जाना है। तो ये मेरा इवन नंबर है क्योंकि ये 6Q है ओनली, ये मेरा ऑड नंबर है क्योंकि ये 6Q तो ऑलवेज इवन आएगा। अब इवन के अंदर ऑड ऐड करोगे तो ऑड ही आएगा, इवन प्लस 2 इवन, ये मेरा ऑड, ये मेरा इवन, ये मेरा ऑड, इज दैट क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का कोई भी नंबर है, या तो वो 6Q+0 टाइप का होगा, या इस टाइप का, या इस टाइप का, इस टाइप का। क्वेश्चन में क्या बोला, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म आइदर दिस और दिस और दिस। अब इसमें से इवन वाले तो हटा दो, वो तो मेरे काम के है ही नहीं, है ना, हटा दें गाइस। चलो इवन वाला, ये इवन हटा दिया, ये भी इवन था हटा दिया, ये भी इवन था हटा दिया, तो बचा ही क्या, ये 6Q+1, 6Q+3 और 6Q+5। तो बस अपने को ये बताने कि देयर फॉर ए कैन बी ऑफ फॉर्म 6Q+1 और 6Q+3 और 6Q+5। समझ आया? तो कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए, अरे वाह, ये भी बहुत अच्छा फेमस क्वेश्चन है, बहुत पूछते हैं एग्जाम में इसको। एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। आपने रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे पर ये देखा होगा कि पहले तो वो बैंड, आर्मी का बैंड आगे चलता है, उसके बाद फिर जनरल पब्लिक या बाकी के जो फोर्स है वो चलती है, इस तरह से आपने देखे होंगे कई जगह, टीवी पे भी देखा होगा। तो कुछ इसी तरह की स्टोरी है यहाँ पर, कि यहाँ पर आपको आर्मी कंटिंजेंट में कितने लोग हैं, 616 मेंबर है, उनको मार्च करना बिहाइंड एन आर्मी बैंड। अब बैंड कितने मेंबर का, 32 मेंबर का इन अ पैरेड। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, एक तरीका तो ये है कि जो 32 बैंड वाले हैं उनको सबसे आगे आगे कर दो, आगे आगे एक ही कतार बना दो बस, ये ऐसे चलेंगे ये 32 लोग, और उनके पीछे पीछे 616 लोग चलेंगे ऐसे, 1, 2, 3, 4,
एक लाइन बना दी है, लाइन हालांकि बहुत बड़ी हो जाएगी, मतलब मेरा ये एक कॉलम बना बची है, ये बात समझ आई? मतलब आगे आगे इनको ही लेना है, आर्मी बैंड वालों को, और ये नीचे इनको ही लेना है। अब एक तरीका और है मेरे पास इसी काम को करने का, देखो ये जो 32 लोग हैं, मैं चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ, दो दो के ऐसे आगे आगे ये बैंड वाले आगे ऐसे दो दो के दो कॉलम बना दो, तो मैनेज हो जाएंगे ना, 16 इसमें आ जाएंगे, 16 इसमें आ जाएंगे, तो 32 हो गए, और इनके पीछे फिर इनको ये दो दो के इधर कर दो, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये 616 लोग हैं तो 308 इधर आ गए और 308 इधर आ गए, जबकि मैंने यहाँ पर 616 मैंने पूरे इसी में कर लिए थे। इज दैट क्लियर? चलो, क्या मैं ऐसे तीन तीन के ग्रुप लगा सकता हूँ क्या? तीन तीन के नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि ये जो 32 है ना, ये दो दो से डिविजिबल तो ये 16 16 होगा, तीन से डिविजिबल ही नहीं है, इसका मतलब मैं तीन तीन के ग्रुप नहीं लगा पाऊंगा। ठीक है भैया, चार चार के लगा पाऊंगा क्या मैं? तीन तो नहीं लगा पा रहा हूँ, 1 2 3 4 चार इससे भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है, हाँ चार चार के ग्रुप लगा सकता हूँ, ये चार चार के ग्रुप, ये तो आर्मी बैंड वाले हो गए, आगे आगे 8 ग्रुप लग जाएंगे चार चार के, तो 32 लोग हो गए, और नीचे 616 ये भी चार चार के ग्रुप लग जाएंगे यहाँ पर गाइस। इज दैट क्लियर? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि मेरे को ऐसे कॉलम, जैसे यहाँ एक कॉलम में काम हो गया, यहाँ पर दो कॉलम बन गए मेरे, यहाँ पर चार चार कॉलम बन गए, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉलम बना सकता हूँ गाइस? तो मेरे को ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर ढूंढना है जो 32 से भी डिवाइड हो जाए और जो 616 से भी डिवाइड हो जाए गाइस, वही तो उनका एचसीएफ होगा, यही तो समझ में आनी चाहिए बात। इज दैट क्लियर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये हुआ कि हियर वी नीड टू फाइंड, हियर वी फाइंड एचसीएफ, ऑफ 616 एंड 32। बस बात तो समझ में आई गई, समझा भी दी मैंने आपको, कुल मिलाकर के आपको ऐसे कॉलम बनाने हैं तो मैक्सिमम कितने कॉलम बन सकते हैं, और आगे आगे कौन से बैंड चलेगा, ये आर्मी बैंड चलेगा और उसके पीछे पीछे एक आर्मी कंटिजेंट मेंबर्स चलेंगे, तो एचसीएफ निकालना इन दोनों का, तो पहले क्या करें, पहले रफ में निकाल लें, उधर निकाल लेते हैं 616 का ऐसे डिवाइड करेंगे 32 से, तो 32 से डिवाइड करेंगे, 32 वन जा 32, अब ये ले लो नीचे 6 296, अब कितनी बार डिवाइड होएगा 32 नाइन जा तो ज्यादा हो जाएगा, हो जाएगा क्या? नाइन जा 288, यस हो रहा है, बचा क्या 16 नहीं 8, फिर यहाँ 32 यहाँ आ जाएगा, 4 जा 32, कुछ नहीं बचा, दिस इज माई आंसर। बस अब इसको लिखना है जैसा अपन लिखते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सबसे पहला तो अब मेरा यहाँ पर 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8 32 into 19 plus 29, ये मेरे को लिखने का वे थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ, गलती हो जाएगी, जस्ट अ मिनट। यस गाइस, 616 था आपका, और 616 को आपको डिवाइड किससे करना है? 32 से, 32 वन झा 32, और ये मेरा आ जाएगा 288, 32 नाइन झा 288, हाँ ठीक है, तो ये मेरा 9 ले लिया मैंने 288, हाँ पूरा अब जाके, यस सही सही जा रहे थे अपन 8। अब देखो गाइस, ये जो मेरा 32 है ये मेरा यहाँ आ जाएगा 4 जा 32, सॉरी कुछ कन्फ्यूजन हो गया था मुझे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अपन वापस से लिखेंगे कैसे, 616 इक्वल टू
32 इंटू 19 प्लस रिमाइंडर कितना 8, और यहाँ 8 इक्वल टू 8 नॉट इक्वल टू 0, तो वी रिपीट। अब रिपीट करेंगे इसी चीज को, तो ये 32 यहाँ आएगा, 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 0, तो ये मेरा 8 आ गया फाइनल आंसर। देयरफॉर HCF इक्वल टू 8। देयरफॉर कितने कॉलम बनेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, सो कॉलम्स बनेंगे 8। इज दैट क्लियर गाइज? मतलब 8 लोग चलेंगे बैंड वाले सबसे आगे, उसके पीछे फिर 8, फिर 8, फिर 8, 32 तो ये हो गए, उसके बाद 8 8 के कतार इसके लिए लगेंगे आर्मी के कंटिंजेंट मेंबर के लिए। सो दिस वे दिस वॉज कंप्लीट। ये जितने मैंने क्वेश्चंस आपको बताए प्लीज इनको रिवाइज करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा गाइस, और ये एक ऐसा चैनल है जो जब तक आपको मैथमेटिक्स रहेगा, जब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते रहेंगे, तब तक बहुत सारे नंबर ऑफ वीडियोज आपकी हेल्प करते रहेंगे। सो गाइज, कोरोना काल ये एक अपॉर्चुनिटी है, किसी तरह का आपका लॉस मत होने दीजिएगा, अपने वैल्यू एडिशन करते जाइएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे गाइज़।